बाड़मेर शहर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियंता विपिन जैन की अगुवाई में बाड़मेर शहर के कई वार्डों में औचक निरीक्षण किया गया। गर्मी की शुरुआत में पेयजल सप्लाई की घर घर जाकर जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पानी चोरी करने वालों की मोटर जब्त की गई। साथ ही एक दर्जन के करीब घरों के अवैध जल कनेक्शन भी काटे गए। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने लोगों से पानी व्यर्थ न बहाने और पानी चोरी नहीं करने की अपील की। गर्मी की शुरुआत के साथ ही इसका एहसास भी इन दिनों होने लगा है। दिन में धूप भी तेज होने लगी है। इसके साथ ही पानी की मांग भी बढ़ने लगी है। गर्मी के दिनों में पेयजल को लेकर हमेशा धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो इसके लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग अभी से ही सतर्क हो गया है। जलदाय विभाग ने पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए एवं उसके त्वरित समाधान को लेकर अभियान का आगाज कर दिया है। इसके तहत शुक्रवार को जलदाय विभाग के अधिकारी एक्शन में नजर आए। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने शहर के कई मोहल्लों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा पानी की मोटरें जब्त की गई तो कई अवैध जल कनेक्शन भी काटे गए। साथ ही अधिकारियों ने लोगों से दोबारा पानी की चोरी नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी। दरअसल बाड़मेर शहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियंता विपिन जैन की अगुवाई में बाड़मेर शहर के कई वार्डों में औचक निरीक्षण किया गया। गर्मी की शुरुआत में पेयजल सप्लाई की घर घर जाकर जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पानी चोरी करने वालों की मोटरें भी जब्त की गई। साथ ही एक दर्जन के करीब घरों के अवैध जल कनेक्शन भी काटे गए। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने लोगों से पानी व्यर्थ न बहाने और पानी चोरी नहीं करने की भी अपील की। खींच लो खींच लो खींच पिन बार दो। हाँ ले लो। अधीक्षण अभियंता विपिन जैन के नेतृत्व में जलदाय विभाग की टीम शुक्रवार को एक्शन में नजर आई। टीम ने बाड़मेर शहर के रोहिड़ापाड़ा, रामदेव नगर, जैन मोहल्ला, मौखी नंबर 8 के पास सहित कई मोहल्लों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से मोटर द्वारा पानी खींचने पर कई मोटरें जब्त की गई तो कई अवैध जल कनेक्शन भी विच्छेद किए गए। ऐसे ही विपिन जैन का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।